बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, डिराइव एन एक्सप्रेशन, छोटे छोटे ये लॉन्ग है। डिराइव एन एक्सप्रेशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बच्चों ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये भी जिस तरीके से आपको मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से पेपर में अटेम्प्ट कर देना है। बच्चों देखें, आपको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के, ठीक है जी, देखें ये अगर मैं कहता हूं जी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सिग्रीड यहां पर शेल में आपको पता है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो आप लोगों ने पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट का रेडियस आर एन है, इस ऑर्बिट में इसकी जो एनर्जी होगी बच्चों वो ई एन होगी। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, और जो इसकी वेलोसिटी है वो आपको पता है वी एन है, ठीक है। आप लोगों ने अब इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर ली, रेडियस भी कैलकुलेट कर लिया था। अब इस इलेक्ट्रॉन की इस ऑर्बिट में बच्चों जो एनर्जी है ना ये कैलकुलेट करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों अब ये एनर्जी तो आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ एनर्जी दो तरह की होती है, तो याद रखिएगा कि आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी बच्चों, जो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट होगी, nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों nth ऑर्बिट में इसकी जो टोटल एनर्जी होगी, यानी जो इसकी टोटल एनर्जी होगी nth ऑर्बिट में, वो काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट के बराबर होगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दूंगा। तो बच्चों ऐसे ही होता है, और पोटेंशियल एनर्जी को यूजली हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसी को बच्चों मैं काइनेटिक एनर्जी प्लस यू ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब आप लोगों ने बच्चों क्या काम करना है, इसका मतलब टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो चलें जी सबसे पहले हम लोग इसकी क्या मालूम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बच्चों अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है nth ऑर्बिट में, यार काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं वही वाला यूज करते हैं, 1/2 mv². अच्छा अब मजे की बात, ये आप लोग ना पिछले पेज पर जाएंगे आपको नजर आएगा mv² n का ना पूरा पूरे mv² n की जगह पर ना, ठीक है जी, mv² n की जगह पर हम ये फार्मूला पढ़ के आए हैं लास्ट लेक्चर में, mv² n की जगह पर हमने ये फार्मूला पढ़ा था ke² / rn। ये जब हम लोग रेडियस की डेरिवेशन कर रहे थे उसमें ये पढ़ा था। तो बच्चों लो मैं mv² n की जगह पर डायरेक्ट ये पुट कर देता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट बन जाएगी ke² / 2 rn। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी आ गई है nth ऑर्बिट में, ठीक है जी। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ये आ गई। अच्छा अब आप लोगों ने क्या मालूम करनी है, इसी तरह बच्चों आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कैलकुलेट करनी, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको पता है वो होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये वो बचपन की बातें आप लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन जो होगा उसका इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से गिर्द मूव करने में। अब बच्चों चार्ज इलेक्ट्रॉन का तो माइनस ई होता है, और पोटेंशियल आपको पता है किसी भी पॉइंट पर, देखें ये एक पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ke² / r होता था, क्योंकि यहां पर nth ऑर्बिट है इसलिए आर एन आ जाएगा। ये वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज में आप लोगों ने पढ़ा था, v = ke/r। ओ भाई जिस तरह f = k q1 q2/r² था, E था इलेक्ट्रिक फील्ड k q/r², इस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर था v = k q/r। तो q की जगह पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वहां पर आनी है, यहां पर तो q आना है इलेक्ट्रॉन का, और वैसे भी आपको पता है अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में, अट्रैक्शन होती है, तो इसलिए
इनके साथ इसके ओवरऑल एनर्जी जो होगी, पोटेंशियल एनर्जी, वो अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव ही होगी। तो यहां पर बच्चों आ गया माइनस के ई स्केयर ओवर आर एन, ये आपके पास आ गई है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट करना। तो बच्चों यहां से आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर ली और काइनेटिक एनर्जी। चलो लगते हाथ में आप लोगों को इसी में से एक एमसीक्यू भी बता देता हूं, पेपर में नहीं लिखना इसको, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो तो बताओ। तो बच्चों के ई स्केयर ओवर टू आर एन, और ये कितनी है माइनस के ई स्केयर ओवर आर एन। बच्चों तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा माइनस वन रेशियो टू। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बच्चों इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की जो रेशियो होती है nth ऑर्बिट में वो क्या होती है। तो के ई स्केयर ओवर टू आर एन किसकी होगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों, माइनस के ई स्केयर ओवर आर एन, तो माइनस का साइन आ गया, ठीक है, और साथ में ये के ई स्केयर इसे कट गया, आर एन इसे कट गया, ओवरऑल आपका आंसर क्या बच गया, माइनस वन ओवर टू बच गया। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये ना हो पेपर में लिख के आए हो साथ ही लॉन्ग में, ये एक्स्ट्रा चीज है। ओके हैंड रेज कर देगा, नोट कर लिया, जल्दी जल्दी शाबाश, मिनट लगा के जल्दी जल्दी करा, जल्दी जल्दी, बहुत आसान टॉपिक है बच्चों, वेरी इजी टॉपिक्स, चैप्टर नंबर 20 इज वेरी इजी। ले जी बच्चों, अब अगली बात जो हमने यहां पर करनी है वो क्या है, पुत्र अभी जरा लेक्चर सुन ले उसके बाद करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की, इसका मतलब दोनों एनर्जीज आ गई 9, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर आ गई, हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, के ई स्केयर ओवर टू आर एन, अच्छा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी आई माइनस के ई स्केयर ओवर आर एन, अच्छा। अब क्यों ना मैं काम करूं भाई, ये के ई स्केयर ओवर आर एन को मैं कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा वन ओवर टू माइनस वन, थोड़ा सा गौर करो क्या ख्याल, दोनों में से के ई स्केयर ओवर आ गया ना, तो बच्चों अब मेरी बात सुनिए, बन जाएगा के ई स्केयर ओवर आर एन वन बाय टू माइनस वन, एलसीएम लेने के बाद ओवरऑल आपके पास आंसर माइनस वन ओवर टू ही आएगा। इसका मतलब टोटल एनर्जी दोबारा आ गई माइनस के ई स्केयर ओवर टू आर एन, सो डेट इज द फाइनल फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एंथ ऑर्बिट। ये टोटल एनर्जी आ गई अब आपके पास बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी आ गई। अच्छा अब इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज, ये पेपर में नहीं लिखना, ये एक्स्ट्रा चीज जो बता रहा हूं, ठीक है, पेपर में आपने उससे आगे चलाना है, बस ये वैसे ही बता रहा हूं, एमसीक्यू रस्ते में आ गया। देखें अगर मैं अब आपसे कहता हूं जी टोटल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी रेशियो क्या होगी, तो टोटल एनर्जी माइनस के ई स्केयर ओवर टू आर एन है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, के ई स्केयर ओवर टू आर एन, तो जब इनको डिवाइड कर देंगे तो माइनस वन रेशियो वन आपका आंसर आ गया, तो टोटल एनर्जी आ गई। अच्छा अगर मैं कहता हूं जी पोटेंशियल एनर्जी टू टोटल एनर्जी, अब यार डिफरेंट बन सकते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है के माइनस के ई स्केयर ओवर आर एन, ये है माइनस के ई स्केयर ओवर टू आर एन। अब माइनस माइनस से कटा के ई, यानी ये कट गया सारा, इसे यहां पर वन और नीचे वन ओवर टू बच गया, तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया टू रेशो वन। तो इस तरह के एमसीक्यूज अक्सर औकात एंट्री टेस्ट में ई कैट के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है, फंग कैट के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसके अलावा एंट्री टेस्ट, डिफरेंट एंट्री टेस्ट के लिहाज से ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये अक्सर औकात आ जाते हैं। अब ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया, तो ये याद हो जाएंगे, मेरा ख्याल है आप लोगों को इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा अब हम तो निकाल रहे थे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी nth ऑर्बिट में, यार अभी ये फार्मूला बेचारा अधूरा है, क्यों, आप देखें एनर्जी निकालनी है तो आपको पहले रेडियस चाहिए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी निकालने के लिए उस ऑर्बिट का रेडियस पहले पुट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम क्या काम करते हैं, अब इलेक्ट्रॉन की ये देखें एनर्जी के ई स्केयर ओवर टू, हाँ जी, अब आर एन का फार्मूला क्या पड़ा था, एन स्केयर एच स्केयर ओवर फोर पाई स्केयर एम के ई स्केयर, ये था पूरा फार्मूला। हुए 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 हुए, अब मेरी बात सुनना जरा गौर से देखना बच्चों, ये तो टू इससे कटना है ना, तो नीचे तो टू बचना है, अच्छा अब क्या होना है, आप लोग देखें ये टू ऊपर चला जाएगा, तो ये टू इधर आ गया, पाई स्केयर अपनी जगह पर आ गया, बिल्कुल आ गया, एम भी ऊपर आ गया, के ऊपर आके के से मल्टीप्लाई होगा, के स्केयर बन जाएगा, ई स्केयर ऊपर आके ई की पावर टू से मल्टीप्लाई होगा, तो ई की पावर फोर बन जाएगा, और नीचे बच गया एन स्केयर एच स्केयर। तो बच्चों ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 2 पाई स्केयर एम के स्केयर ई की पावर 4 ओवर
एन स्केयर एच स्केयर, सो डेट इज द फाइनल फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एंथ ऑर्बिट. टू पाई स्केयर के स्केयर एम ई की पावर 4 ओवर एन स्केयर एच स्केयर. तो बच्चों ये है इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला. आप देखें जस्ट आपने क्या काम करना है, यहां पर एन की वैल्यू पुट करनी, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो वाली वैल्यू पुट करें तो रेडियस तो एनर्जी निकालने. हाँ, इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम लोग इसको बच्चों यूजली इस पूरी चीज को ना एक कांस्टेंट बोल देते हैं और इस कांस्टेंट को ई नोड का नाम देते हैं यूजली. ये पूरा जो है ना, क्योंकि आपको पता है ये तो चेंज नहीं होना, एन ने चेंज होना है बारी बारी, तो इस पूरी चीज को हमने ई नोड का नाम दे दिया. आपकी किताब वाले ने दिया है ई वन का नाम भी दे सकते हैं, मगर किताब वाले ने अब ई नोड का नाम दे दिया. तो ये देखें तो बच्चों आपका ई एन बराबर आ जाएगा ई नोड, कितना आ जाएगा जी. अच्छा ये एक चीज का ख्याल रखना है, ये माइनस का साइन यहां पर था तो बच्चों ये इधर माइनस का साइन साथ साथ ही चल रहा है, ओवरऑल माइनस का साइन, ठीक है. तो बच्चों ये पूरा जो ई नोड, ये माइनस भी इसमें ई नोड में इंक्लूड है, तो ये आपका जो ओवरऑल बच्चों आंसर आ रहा है, बल्कि उसने माइनस को नहीं इंक्लूड किया, ठीक है. तो माइनस ई नोड ओवर एन स्केयर, ये बच्चों आपके पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ रही है. और यहां पर मैं कह सकता हूं कि ई नोड किसके बराबर है, ई नोड बराबर है 2π² एम के स्केयर ई की पावर 4 ओवर एच का स्केयर. अब सारी वैल्यूज इधर पुट करें, ठीक है जी. पुट द वैल्यूज, ये लो वैल्यूज पुट करते हैं जी. 2π की जगह पर आया 3.14, उसका स्केयर 9.1 × 10⁻³⁻³, के 9 × 10 की पावर 9, 1.6 × 10⁻¹⁹, डिवाइडेड बाय 6.63 × 10⁻³⁻¾ का होल स्केयर. जब आप लोग बच्चों इसको सारी को कैलकुलेट करते हैं ना, तो आपके पास आंसर आएगा 2.17 × 10⁻¹⁸ जूल. अच्छा ये अक्सर कहा था एमसीक्यू आया था जूल में. जब इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है 2.17 × 10⁻¹⁸, जब जूल से बच्चों आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड करवा देंगे, तो बच्चों आपके पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा 13. ये पॉजिटिव नहीं आएगा ना, भी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी. तो लो जी बच्चों ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास ई नोड आ गया, यानी ये जो पूरा आपका कॉन्स्टेंट था ना ये किसके बराबर आ गया. सो फाइनली, तो बच्चों फाइनली ई एन को मैं लिख सकता हूं माइनस, अब देखें माइनस का साइन यहीं पे, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन का स्केयर. तो बच्चों ये आपके पास ओवरऑल आ गया. केमिस्ट्री में वो आप लोगों ने जी भी पढ़ा होगा, वो एटॉमिक नंबर भी साथ में आता है ना, वो और चीज है, हमारा यहां पर उसे कोई गर्ज नहीं है. तो बच्चों अब यहां पर देखें आप लोग इसका मतलब जनरली अब मैं इसी एनर्जी को जिस तरह वो रेडियाई को क्वांटाइज की फॉर्म में लिखा था, इसी तरह बच्चों इसको भी मैं क्वांटाइज की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, मैं लिख दूंगा ई एन बराबर आएगा पहले ऑर्बिट में अगर होगा तो एन वन होगा तो माइनस ई नोड, दूसरे ऑर्बिट में माइनस ई नोड ओवर 4, तीसरे ऑर्बिट में माइनस ई नोड ओवर अपना कितना आ जाएगा 2 का स्केयर, फिर 3 का स्केयर 9 आ गया, फिर माइनस ई नोड ओवर बच्चों कितना आ जाएगा 16, एंड सो ऑन ये चलता जाएगा, ठीक है. तो अब देखें पेपर में एमसीक्यू किस तरीके का आ सकता है, मैं आपको कहता हूं एमी शुगल में, ठीक है जी. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो बच्चों अब देखें थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय, हाँ जी 3 का स्केयर 9 हो गया, 3 पुट करोगे ना थर्ड ऑर्बिट के लिए 9, तो बच्चों जब आप लोग इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो मेरा ख्याल है 1. कितना आता है 13.6 डिवाइडेड बाय 9, तो 1.51 आपका आंसर आ जाएगा. तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद नेगेटिव साइन. तो बच्चों ये आपके पास ओवरऑल आंसर आ गया. आपको पता है ये नेगेटिव का साइन यहां पर क्या शो करता है, एक और बात बता दूं बच्चों, एक तो ये शो करता है नेगेटिव का साइन अट्रैक्शन को शो करता है कि जो न्यूक्लियस की फोर्स है उसको अट्रैक्टिव फोर्स है, एक तो ये शो करता है. दूसरा जिस तरह ही हम लोग ऊपर को जाते जाते हैं ना, यानी पहले ऑर्बिट से पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, पांचवा ऑर्बिट, 1, 2, 3, 4, 5, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की माइनस के साइन की वजह से ओवरऑल एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है.
देखें वैसे भी 13.6 माइनस 13.6 यहां पे होनी है, उससे ऊपर जाना है, थर्ड ऑर्बिट में माइनस 1.5 हो गई है, मगर ये माइनस में है, तो माइनस में जो चीज जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी, जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी बन जाती है। तो बच्चों आप लोगों को एक बात मेरी याद रखनी है, आप लोग देखें कि जैसे जैसे हम लोग बच्चों ऊपर जाते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाती है, ठीक है? तो बच्चों ये आप लोगों ने याद रखना है। और सबसे कम एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में होती है, उसके बाद एनर्जी बच्चों उसकी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है? ये आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो अब बच्चों ये आपके पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करने का कुछ टिप्स आई है, वही है पुरानी बात। अगर देखें, अगर मैं रेशो पूछ लूं जी थर्ड सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट की रेशो, तो बच्चों वो आप लोग जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेशो भी इनकी आ सकती है। अच्छा, एंड पर ना उसने कुछ टर्म्स लिखी हुई है, ठीक है? कुछ टर्म्स लिखी हुई है बच्चों जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एक चीज होती है बच्चों ग्राउंड स्टेट, क्या बोलते हैं जी ग्राउंड स्टेट। अच्छा, एक आपके पास टर्म है बच्चों एक्साइटेड स्टेट की, ठीक है जी सर, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है? फिर एक टर्म पुत्र सिर्फ अभी सुन लें, बस 5 मिनट, उसके बाद सवाल करना। उसके बाद आयोनाइज एक्साइटेशन पोटेंशियल, ठीक है जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक ये टर्म है बच्चों एक्साइटेशन पोटेंशियल, ठीक है? उसके बाद बच्चों, ओ भाई ई एक्स यहां पर सी मेरी फुफी ने डालना था, एक्साइटेशन पोटेंशियल, उसके बाद बच्चों आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अच्छा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये बच्चों कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, जिनको आप लोगों ने जरा देखना है। ये देखें बच्चों ग्राउंड स्टेट, आपको पता है ग्राउंड स्टेट कौन सी स्टेट होती है जी बच्चों? लोएस्ट एनर्जी स्टेट, ठीक है जी, जिसमें इलेक्ट्रॉन ठहरता है। द इलेक्ट्रॉन इन इट्स लोएस्ट एनर्जी स्टेट, इलेक्ट्रॉन इन इट्स लोएस्ट एनर्जी स्टेट, बच्चों इलेक्ट्रॉन जो सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट में होता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। और इस ग्राउंड स्टेट के लिए बच्चों यूजली आपको पता है एन इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, वो आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे न्यूक्लियस के गिर्द, तो बच्चों ये एन इज इक्वल टू 1 जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है बच्चों, इसको हम लोग बेसिकली क्या नाम दे देते हैं, ग्राउंड स्टेट का नाम देते हैं, ठीक है? इसी तरह अब जब बच्चों आप लोग देखें एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, द इलेक्ट्रॉन इन द हायर ऑर्बिट्स, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज इन द हायर ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन इन हायर ऑर्बिट्स, ठीक है, वो जिस भी ऑर्बिट में होगा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, उसके लिहाज से वो उसकी एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी, हायर ऑर्बिट्स, ठीक है जी, इज कॉल्ड इट्स एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है, यार मेरी बात सुन, एक इलेक्ट्रॉन है बेचारा ग्राउंड स्टेट में था, ओ भाई मुझे ये बताओ मैंने इसको एक्सेलरेट करवाना है, मैंने इसको ऊपर को लेके जाना है, तो फिर ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, अगर इधर जाके रुकता है तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी, अगर वहां पे इससे ऊपर जाके रुकेगा तो वो इसकी एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी। अब यहां से यहां तक बच्चों ये गया है, इसको कोई ना कोई तो पोटेंशियल देना होगा, द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, इज नोन एज एक्साइटेशन पोटेंशियल। अच्छा जी, तो बच्चों ये देखें, मैंने बोला एक्साइटेशन पोटेंशियल कौन सा होगा, देखें इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाना है आपने, तो बच्चों जाहरी बात है इसको एक्साइट करवाना है, पहले तो मुझे बताएं इस एक ग्राउंड स्टेट से इसको एक्साइटेड स्टेट तक लेके जाना है, तो इसको जो पोटेंशियल चाहिए बच्चों, द पोटेंशियल थ्रू विच इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, ठीक है जी, और एक्साइटेड, ठीक है बच्चों, हम लोगों ने उसको क्या बोला, उस पोटेंशियल को क्या बोला बच्चों, एक्साइटेशन पोटेंशियल बोला, ठीक है, एक्साइट करवाना मतलब उसको ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना। उसके बाद अगर आप लोग उसको पोटेंशियल इतना दे दें कि बच्चों वो एटम से ही लीव कर जाए, यहां से निकल ही बाहर जाए, तो बच्चों वो पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम से ही बाहर निकल जाता है, उसको हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये 4 टर्म्स हैं जो कि उसने एंड पर एक्सप्लेन किए, ग्राउंड स्टेट की, एक्साइटेड स्टेट की, एक्साइटेशन पोटेंशियल की, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता होता है जी, ई इन्फिनिटी एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इनफाइनाइट ऑर्बिट, तो भाई मेरी बात सुने, आपने फार्मूला पढ़ा ई एन इज इक्वल टू माइनस ई नोड ओवर एन स्क्वायर, ओ भाई अगर एन के, अगर आपने ई इन्फिनिटी कैलकुलेट करनी है तो माइनस ई नोड ओवर इन्फिनिटी समथिंग ओवर इन्फिनिटी तो 0 होता है, तो याद रखिएगा एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इनफाइनाइट ऑर्बिट बेसिकली बच्चों क्या होती है, 0 होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है, ई इन्फिनिटी इज इक्वल टू व्हाट, ये एमसीक्यू बच्चों से अक्सर औकात पूछा जा सकता है। तो लो जी बच्चों, ये था आपका ओवरऑल एनर्जी क्वांटाइज्ड का टॉपिक, जो कि मेरी तरफ से खत्म हो चुका है।